नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बब्बर योगा क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले मेरा संदेश है कि आप अपने चेहरे पर स्माइल रखें और हमेशा पॉजिटिव रहें, ठीक है। आइए अब हम करते हैं योग, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आइए लेकर करने का बहुत आसान आसन है और जिससे हमारी बॉडी में बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी बनती है। ये आसन वो ना करें जिनकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई हो, ऑपरेशन, या जिनको जिनकी जो वर्टिब्रा है, जो नसें हैं वो दब जाती हैं, वो बिल्कुल ना करें। वो डॉक्टर से पूछ के ही करें। चलिए एक दाएं पांव की एड़ी को उठाकर बाएं पांव के ऊपर रखेंगे और दोनों हाथ कंधों की सीध में फैलाएं। दोनों हाथ कंधों की सीध में फैलाएं, सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए फेस को राइट साइड घुमाएंगे और पांव को लेफ्ट साइड आप झुका लेंगे। रिलैक्स, हाँ बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। अब आप देख रहे होंगे ये जो इसकी बॉडी है हमारे स्टूडेंट की, ये यहाँ से ट्विस्ट हुई है, ठीक है। जिन लोगों की कमर यहाँ से फैट चढ़ जाता है, पेट टमी भारी होता है, वो बहुत तेज़ी से कम होने लगता है और बॉडी बिल्कुल एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है बॉडी। यहाँ आपको नॉर्मल सांस लेना है और पेट को विशेष तौर से बहुत ढीला छोड़ के रखना है। शरीर में किसी भी हिस्से पर कोई तनाव ना हो किसी भी प्रकार का, और बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। मैं आपको बताऊँ, योग करते समय कोई भी योग करें, आप कोई भी आसन करें, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें, जितना हो उतना ही करें, ठीक है। क्योंकि शरीर है, इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो फिर वो सही होने लगता है। सांस भरें और छोड़ते हुए, हाँ और छोड़ते हुए दूसरी साइड चेंज करें, बिल्कुल। अभी हम दूसरी साइड है, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा आसन है। यहाँ से हमारी बॉडी पूरी ट्विस्ट हो जाती है, हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन से कहते हैं, वो भी घूम जाती है थोड़ी सी, जिस उसमें लचक पैदा होती है। सांस भरते हुए वापस और छोड़ते हुए दोनों पांव रिलैक्स, दोनों हाथ फूलों की बराबर में रखेंगे। और इसी के साथ अब हम करेंगे एक और आसन है, अर्धनौकासन। अर्धनौकासन है वो, बस हमें सिर्फ क्या करना है, उठ के अपनी कोहनी और हथेली के बल उठ के अपने पांव के अंगूठे देख लो, अंगूठे मिला लें, एड़ी मिला लें, ठीक है। सांस भरें और सांस को छोड़ते हुए अपने पांव के अंगूठे देखें, बिल्कुल। अब आप देखेंगे बिल्कुल सीध में होना चाहिए ये अंगूठे हैं, इनको देखते रहें आप। बहुत बढ़िया आसन है, पेट को बहुत तेज़ी से कम करता है और नाभि पर अपने ध्यान लगा के रखें। आपकी जो नाभि है उस पर ध्यान लगा के रखेंगे, बहुत अच्छा आसन है, पेट को बहुत तेज़ी से कम करेगा। रिलैक्स, यहाँ कम से कम आप 5-10 से 15 सेकंड जरूर रुकें इस पोजीशन में। और योग, मैं हमेशा कहता हूँ योग जरूर करें, अपने घर में जहाँ भी आपको सही लगे, आंगन में और छत पर बैठकर, या फिर आसपास कोई गार्डन हो, खेत हो, खलियान हो, उनमें बैठकर आप योग कर लें। योग करना बहुत ज़रूरी है साथियों। आप योग करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और धीरे धीरे हमारा देश ऐसे ही स्वस्थ हो जाएगा। नमस्कार।